हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के 95th एपिसोड पे। लगभग दो साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आपके सामने आते हैं, जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम मयूरेश जोशी जी के साथ बात कर रहे थे और इनके साथ हमने टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्ट्रैटेजी जिसका नाम है कैंसलिम मेथोडोलॉजी के बारे में बात की। तो कैंसलिम मेथोडोलॉजी में हमने जो आगे के 6 कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में पिछले एपिसोड में बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम मार्केट डायरेक्शन, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अभी मैंने एक फेरस व्हील ड्रॉ किया है, तो इसमें मार्केट साइकिल को मैंने 4 हिस्सों में बांटा। सो ऑन द ओनील मेथोडोलॉजी वी डिस्ट्रीब्यूट द मार्केट इन 4 डिफरेंट फेजेस। और ये डिस्ट्रीब्यूट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैं ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने कह रहा था कि मार्केट टॉप को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना और मार्केट बॉटम को कहीं ना आइडेंटिफाई करना, ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन पार्ट ऑफ द फेरस व्हील और द मार्केट साइकिल चार्ट। इसको हम कहते हैं कंफर्म ट्रेंड, विच बेसिकली मींस कि मार्केट्स एक बहुत फाइन फेटल। तो आफ्टर द कोविड फॉल, जब मार्केट्स चल रहे थे 1.5 साल तक विद इंटरमिटेंट करेक्शंस, यानी मुझे याद है कि मार्च अप्रैल में एक हल्का सा करेक्शन आया और सितंबर अक्टूबर में एक हल्का सा करेक्शन आया 2021 में। Obviously, I think October 22 mein market top out ho gaya, and I will give you that example in the chart that I've drawn. To kahin na kahin, I think jo run hui thi from almost October, November 20 till June 22 for almost 1 year 9 months, with those two examples jo humne wo bhi capture kiye the in terms of the fall that happened, wo market ek fine fatal mein tha aur isse hum confirmed uptrend ke. Now, yahan pe aap dekh rahe honge ki distribution days maine kaafi likha hai. So what is a distribution day in the first place? So let us come to that. So distribution day on the O'Neill methodology is when कोई भी particular दिन में index, यानी आप Nifty पकड़ के चले या Sensex, that is up to you. I'm taking Nifty as an example in this presentation. अगर Nifty 0.2% से गिरा, so Nifty on any particular day falls by 0.2% और वो दिन के volumes Nifty के पिछले दिन से अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि इसे डिस्ट्रीब्यूशन डे माना जाए। ठीक है, तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन डे बढ़ते जाते हैं एक इंडिकेटर होता है मार्केट में। अभी आप कहेंगे कि फॉर हाउ मेनी साइकल्स शुड बी कैच दिस। नाउ वी आइडियली से दिस कि एक 25 दिन का साइकिल आपको अज्यूम करके चलना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 1 जैन 2023 से लेकर 25 जैन 23 तक मार्केट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन में पहले 8 दिनों में एक भी डिस्ट्रीब्यूशन डे ऑब्जर्व नहीं हुआ। द मार्केट इज इन डूइंग वेल, मूविंग एवरेज के ऊपर है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कंफर्म्ड। नाउ इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर जैन 1 से जैन 25 जो हम 25 ट्रेडिंग डेज मानते हैं, तो इट कैन गो अप टिल फेब्रुअरी 5 क्योंकि हर महीने में 20 वर्किंग से 21 वर्किंग डे, तो अगर वो वर्किंग वो साइकिल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ने लगता है एंड इफ इट्स बिटवीन 4 एंड 5 और मूविंग एवरेजेस का ब्रीच होने लगे, से द 21 एंड द 50 एवरेज ऑन द इंडेक्स गेट्स ब्रीच्ड, हम कहते हैं कि मार्केट्स एक प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ इज कमिंग अंडर प्रेशर। हम दूसरी लेवल जो ट्रैक करते हैं इज सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंडेक्स एंड अदरवाइज एज वेल। सो आपका ऑटो हुआ, BFSI हुआ, IT हुआ, मेटल्स हुआ एंड रिलायंस इंडिविजुअली हुआ, क्योंकि रिलायंस इटसेल्फ होल्ड्स अराउंड 9% एज एन इंडिविजुअल वेट for the Nifty itself. So Nifty को Reliance को अलग से हम देखते हैं apart from these sectors as well. क्या ये sectors में भी distribution day count बढ़ रहा है? So individual index में if distribution day count in that 25 day cycle is between 4 and 5, individual sectors, concept sectors प्रभावित हो रहे हैं with that distribution day count as well. और individual stocks within those sectors क्या breach कर रहे हैं with heavy institution selling activity as well. ये इंडिकेशन देता है जिसमें मैंने तीसरे लाइन में कहा है कि जैसे ही आता है तो
एक मार्केट टॉप का संकेत देने लग जाए। ऑफ हाई जो OH मैंने यूज किया है ये टर्म में, बहुत स्टॉक्स हमने देखे हैं जब एक डाउनटर्न चालू होता है, जब मार्केट डूबने लगता है, जो लीडरशिप स्टॉक्स है उनकी जो कैंडल्स बनती है फॉर दोस पर्टिकुलर डेज बिफोर द ब्रीच हैपेंस, हाई मारता है स्टॉक इंट्राडे, डे एंड पे लो पे बंद हो और सप्लाई जबरदस्त होती है, विच मीन्स द वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट डेली पे या वीकली। सो इफ यू प्रोबेबली हैव दैट इनटू अकाउंट, लीडरशिप स्टॉक्स अगर ये एक्टिविटी इंडिकेट कर रहे हैं, अगर सेक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि खुलते हैं ऊपर बंद होते हैं डे लो पे, डेली बेसिस पे शायद वीकली बेसिस पे बिफोर दीज ब्रीचेस स्टार्ट हैपनिंग, कहीं ना कहीं आपको एक संकेत बाजार दे रहा है कि द इंस्टीट्यूशन मनी इज स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग आउट और शायद रिटेल वापस फंस रहा है इन क्रिएटिंग दोज मार्केट टॉप्स। हालांकि रिटेल निवेशक मैं सराहना करना चाहूंगा अपूर्व जी की, इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वी हैव बीन वेरी वेरी रेजिलिएंट सिप फ्लोज में एंड रिटेल एक्चुअली हैज डन एक्सीडिंगली वेल, बट व्हेन मार्केट टॉप्स आर हैपनिंग या जब करेक्शन आने हैं बाजार में, तो ये इंडिकेटिव नेचर होता है मार्केट का जो ध्यान में रहना चाहिए एंड यू शुड नॉट गेट स्वेड अवे बाय इन अ सर्टेन सिनेरियो, यू हैव टू स्टार्ट लाइटनिंग योर पोजीशंस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट 6 के ऊपर निकल जाता है इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यू आर प्रीटी वेल श्योर कि इंडेक्स हैज ब्रीच्ड इट्स की सपोर्ट लेवल्स, सप्लाई जोरदार आ रहा है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग हावी हो गई है, काफी सेक्टर्स में जोरदार सेलिंग है और लीडरशिप स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है, तो उस टाइम पे हम क्लियरली कहते हैं कि रिस्क आप क्लियरली ऑफ द टेबल ले लें, बी रिस्क अवर्स, गेट ऑफ द टेबल, सिट ऑन कैश एंड वेट फॉर द मार्केट टू गिव यू एन इंडिकेटर ऑन हाउ द एंटायर बॉटमिंग आउट प्रोसेस विल। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ मार्केट टॉप। सो जैसे मैं कह रहा था, एक जो मार्केट टॉप का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये जो आप वॉल्यूम्स देखेंगे और जो 50 डीएमए के ब्रीचेस होना स्टार्ट हो गए थे, दैट वॉज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे तो ब्रीच हो ही रहे थे, बट सिग्निफिकेंट एक्शन जो हमें दिख रही थी अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस इंडिविजुअल लीडरशिप स्टॉक्स, ये एक्शन वॉज दैट अ लॉट ऑफ द मूविंग एवरेजेस, जो नियर टर्म एवरेजेस है 21 और 50, वर सिग्निफिकेंटली गेटिंग ब्रीच। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हो रही थी फरवरी में, ये फरवरी महीने की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा पुल बैक्स वापस दिख रहा था, बट उस पुल बैक्स अगर आप देखिए दो ब्लू बार्स को, रिक्लेम जरूर हुए एवरेजेस बट वर हैपनिंग ऑन अ लोअर वॉल्यूम। तो दो चीजें, एक जो विलियम कह रहे थे कि अगर आप राइट साइड ऑफ द बेस पे आ रहे हैं और वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो रही है फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव, तो वॉल्यूम एक्टिविटी शुड कम लोअर व्हेन सेलिंग कैंडल्स आर, बाइंग कैंडल्स में जब मार्केट ऊपर जा रहा है और लो वॉल्यूम पे जा रहे हैं वो भी डेंजरस, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि शायद इंस्टीट्यूशनल बैकअप नहीं है इसके लिए, आई थिंक वीक हैंड्स आर प्रोबेबली एंटरिंग दैट मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस आर प्रोबेबली सेलिंग इट। काफी एक्टिविटी अगर ये लास्ट बार में आप देखें कि डे हाई पे ऊपर गया था और काफी डे लो के क्लोज पे बंद हुआ, विच प्रोबेबली मीन्स दैट स्टॉलिंग हो रहा था टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड इंस्टीट्यूशन सेलिंग वाज हैपनिंग स्लोली एंड स्टेडी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखने मिली, वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड लाइटनिंग पोजीशंस अराउंड दीज लेवल्स एज वेल, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद मार्केट टॉप हो गया है एंड अनलेस द रीसेंट हाई का जो टॉप हैवी वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ नहीं निकले, तब तक हम मार्केट अप ट्रेंड में नहीं शिफ्ट करते थे। सो फ्रॉम अ कंफर्म्ड अप ट्रेंड वी शिफ्टेड द मार्केट टू अप ट्रेंड अंडर प्रेशर, हमने वो उधर ही रखा था मार्केट को, और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ते गए, क्योंकि आप देख रहे हैं भले भांति कि जैसे ब्रीचेस होते जा रहे थे, इंडेक्स पे 0.2% करेक्शन हो रही थी और वो बंचअप हो रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन डेज के, इंडेक्स सेक्टर और स्टॉक तीनों लेवल्स पे एवरेजेस और एक्टिविटी ब्रीच की तरफ दिख रही थी एंड देयरफॉर वी वर एम्प्टिंग आवर पोजीशंस क्वाइट सिग्निफिकेंटली एंड सिटिंग ऑन कैश थ्रू आउट दिस होल क्रैश। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट टॉप्स का इंडिकेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन डेज से पता चल जाता है एंड दैट प्रोबेबली हैज प्लेड आउट क्वाइट सिग्निफिकेंटली इन the previous markets as well, including the COVID fall, as I said. अभी दूसरी चीज, जैसे market top का एक indication आता है through distribution days, जैसे market एक downtrend जाता है and the market is keeping on falling, तो current context में हम जैसे कह रहे हैं कि 17,774 एक बहुत key level है, अभी तो market देख नहीं पा रहा, but if that probably gets breached in this cycle, check downside risk वापिस खुलती है, देन यू प्रोबेबली नीड टू वेट। तो जैसे ही डाउनसाइड लिमिट्स खुलते जाते हैं, वी प्रोबेबली आर लुकिंग फॉर 3 डेज, मैं 3 दिन की बात क्यों करूं, कि अगर एक इंटरमिटेंट बॉटम मार्केट को बनाना है, तो बॉटम बनने के बाद
क्या वो बॉटम वापस 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक ब्रीच होता है? अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट शायद एक रैली अटेम्प्ट में जाए, विच मीन्स इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉटम फॉर इटसेल्फ। बट क्या उसकी पुष्टि हो गई है, क्या बॉटम फॉर्म हो गया है? वी से वी हैव टू वेट फॉर द फॉलोइंग। तो दो क्राइटेरिया होते हैं, एक आफ्टर द मार्केट इज कीपिंग ऑन फॉलोइंग, एक इंटरमीडिएट बॉटम जब बनता है मार्केट का, जैसे कोविड काल में बना था, व्हेन द इंटरमीडिएट बॉटम गॉट क्रिएटेड ऑन द निफ्टी अराउंड 7800 7900 लेवल्स, वो लेवल्स नेक्स्ट 3 दिन तक आफ्टर दैट इंटरमीडिएट बॉटम गॉट क्रिएटेड डिड नॉट गेट ब्रीच्ड। तो हमारा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया कि शायद बॉटम इन प्लेस है, बट वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर। व्हेन विल गेट दैट श्योरिटी? व्हेन अ फॉलो थ्रू डे कम्स। What is a follow-through day? So follow-through day mein Nifty has to make a move of at least 1.5%. So between 1.5 to 1.8% aur volumes wo din ke jaise distribution day ke liye hai should be heavier than the previous day. So mere hisab se do cheeze important hai. Follow-through day aana to zaruri hai hi, which means that the index is probably creating a bottom. But have those individual leadership sectors also started showing that sign? मूविंग एवरेजेस को अपसाइड पे ब्रीच कर रहे हैं और लीडरशिप स्टॉक्स हैव शोन दैट अपसाइड साइंस फॉर दोस की सेक्टर्स, जैसे बैंकिंग हुआ, ऑटो हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड रिलायंस इंडिविजुअली एज अ स्टॉक इटसेल्फ, क्या ये अपने एवरेजेस को मूव ब्रीच कर रहे हैं ऑन द हायर साइड विद एक्सट्रीमली वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम था अबव एवरेज वॉल्यूम। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं हमें लगता है कि तो बॉटम। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन डेज के लिए जो क्राइटेरिया मिनिमम बताया था वो था कि The Nifty should have fallen by 0.2% or more. लेकिन जो follow through, ये जो day है, उसके लिए it should be 1.5. So ये इतनी ना bulls के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? उनको अगर market को ऊपर लेके जाना है तो 1.5% और जब bears को नीचे लेके आना है तो 0.2%. तो दो चीजें अपूर्व, हम जब हमेशा मानते हैं और जो हमने 7 दशकों से study किया है on these market cycles, हमने दो चीजें देखी। एक, जब डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है वी आर टेकिंग इट इनटू अकाउंट ओवर अ पीरियडिसिटी ऑफ टाइम, यानी 25 दिन के साइकिल में हम देखना चाहते हैं क्या इंडेक्स हर एक सेक्टर और स्टॉक वो दिखा रहा है, इंक्लूडिंग स्टॉलिंग जैसे मैं समझा रहा हूं। अगर वैसा है तो एक इंडिकेशन अपने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट एक टॉप का। जब मार्केट बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस में होता है तब मार्केट में प्राइस की धुलाई अच्छी खासी हो चुकी रहती है, तो प्राइस करेक्शन हैज हैपेंड क्वाइट सिग्निफिकेंटली इनटू द मार्केट फॉर द इंडेक्स for individual sectors and stocks as well. In that, जब price volume action अच्छी खासी होती है तो हम ये देखना चाहते हैं कि 1.5% का move क्यों? तो इसका मतलब होता है कि जो institutional activity, और जो मैं कह रहा था कि 80% buying selling institution से होती है, the institutions are very much convinced कि शायद bottom form हो गया है. तो the institutions are not convinced कि bottom is formed. The institutions are rather convinced कि the worst is probably over in terms of whatever economic news cycle या phase of the market is going through, और हम ये buying through दिखा रहे हैं because these are attractive prices that we are probably getting into, और इसलिए move backed with extremely heavy volumes, B backed with sector showing the same, C backed with individual leadership stocks showing the same amount of price volume action in their individual stocks as well. तो अगर ये criteria हम जो 3-tier structure कहते हैं fulfill होता है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो actionable item है मार्केट को लेके दैट इज प्रॉबली गेटिंग सेटिस्फाइड। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कोविड के फॉल के बाद जब ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, फॉलो थ्रू डे कब आना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इंटरमिटेंट बॉटम हो गया, आपको 3 दिन मिला जहां पे इंटरमिटेंट बॉटम ब्रीच नहीं हुआ, विच मीन्स एक रैली अटेम्प्ट में निकल गया। यू आर नाउ लुकिंग एट द 4th डे, क्योंकि 3 दिन में तो बॉटम नहीं हुआ ब्रीच, और 4th दिन से हम फॉलो थ्रू डे की राह देखते हैं। आइडियली आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलो थ्रू डे 4th और 10th दिन के बीच में आता है। अगर 4th से 10th दिन में आया वी आर वेरी मच अश्योर्ड कि जो फॉल्स फॉलो थ्रू डे, ये भी कॉन्सेप्ट एक है कि मार्केट शायद एक फॉलो थ्रू डे दे लेकिन एक रिवर्सल भी आ सकता है, बट अगर 4th और 10th दिन फॉलो थ्रू डे आता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एक्शन हो सकती है, यू कैन स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशन बिटवीन द 4th एंड 25th, यू कैन स्टिल कंसिडर इट टू बी अ गुड एक्शन। बट जितना डिले होता जाता है फॉलो थ्रू डे बियॉन्ड दिस टाइम पीरियड, उतनी एक्शनेबल आइटम मार्केट के ऊपर वीक होते जाती है, एंड यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ एडिंग स्टॉक्स, क्योंकि उस टाइम पे अगर फॉलो थ्रू डे से 1.5 महीने बाद आया इन द मार्केट इटसेल्फ, स्लो एंड स्टडी मूव्स, वॉलेटाइल मूव्स मार्केट ने दे दिए, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। शायद इंडिविजुअल्स कुछ सेक्टर्स अच्छा करें, उस सेक्टर्स पे सिलेक्टिवली आप ध्यान दें, बट अग्रेसिव होना उस टाइम पे जरूरी नहीं।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सी चीजें सारी जानना बहुत जरूरी है। एक लेटेस्ट ही एग्जाम्पल देता हूँ, जो 15200 का करेक्शन हमने देखा था हाल ही फिलहाल 6 महीने पहले, वी सॉ दैट इंटरमीटेंट बॉटम गेटिंग क्रिएटेड। अगर आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जो डे वन मैंने मेंशन किया 15183 वाज द एग्जैक्ट लेवल व्हिच द मार्केट हैड पोस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी देन स्टार्टेड कैलकुलेटिंग की नेक्स्ट डे पे क्या ये ब्रीच हुआ है, तो वी आर वेटिंग। तो अगर आप पिछले फ्यू कैंडल्स देखें, वी हैड डाउनग्रेडेड द मार्केट एंड वी आर वेटिंग, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि मार्केट अपने आप अपने को दिशा दिखाएगा, दे विल शो अस द मार्केट डायरेक्शन एज वी कॉल इट। तो बीच में बाउंस बैक्स आ रहे थे बस सस्टेन नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने कभी मार्केट को अप ट्रेंड में किया नहीं। एट द सेम टाइम आई थिंक व्हेन दिस मार्केट क्रिएटेड एन इंटरमिटेंट बॉटम और नेक्स्ट 3 दिन तक के इंटरमिटेंट बॉटम होल्ड हुआ, उस टाइम पे हमने मार्केट को रैली अटेंड में कन्वर्ट किया। फॉलो थ्रू डे केम आफ्टर अ फ्यू डेज, एक 7-8-9 दिन के बाद आया आफ्टर अ फ्यू ट्रेडिंग सेशंस इटसेल्फ, एंड देयरफॉर वी वेटेड द वेटिंग गेम, यानी पेशेंस के साथ हमने होल्ड अप किया कि रैली अटेंड मजा आ गया है, हमने एक बाय वॉच लिस्ट क्रिएट की बेस्ड ऑन ऑल द क्राइटेरियाज दैट वी डिस्कस्ड सो फार, और उसमें से की स्टॉक्स को हाईलाइट करके शॉर्टलिस्ट करके रखा बोथ इन टर्म्स ऑफ आर मेलर्स एज वेल एज आर ऐप, और उसमें से जैसे मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया ऑफ अ फॉलो थ्रू डे विद एवरेजेस टेकन अप सपोर्ट लेके, जब एवरेजेस निकाल दिया मार्केट ने क्वाइट सिग्निफिकेंटली विद एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम्स compared to the previous day, we said the market is in fine battle and then we continue in terms of the market move, in terms of additions. Aur jaise filtering out ho rahi thi market mein, jaise phases badal rahe the, we accordingly changed our stance in terms of getting out, and therefore the part 3 jo risk management hai wo bahut lazmi hota hai. To mujhe lagta hai I think distribution day count aur follow through day count ye market direction ka bahut important pehlu hai Monil. Helping us identify probable market tops and bottoms, and you've probably done that so far. In the current market cycle, hame lagta hai agar 17,774 breach hota hai, so I think downside risk khulti hai market ke liye. At the same time, agar 21 or 50 moving averages market le leta hai, which is hovering around 18,200, 18,300, aur key sectors or leadership stocks indicate karti hai ki they are holding out in terms of strength compared to the rest of the market, वहां पे सिलेक्टिव बायस आ सकता है। सो मार्केट एक बहुत पेचीदार पोजीशन में अटका हुआ है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर वी हैड डाउनग्रेडेड द मार्केट अ फ्यू वीक्स बैक, वी आर नाउ इनटू द रैली अटेम्प्ट करंट मार्केट साइकिल में, और ये करंट पोजीशनिंग है जो हम देख रहे हैं, जो हम अप्रोप्रिएटली पे आउट करेंगे इन सर्टन स्टॉक्स सेक्टर्स इधर ऑन द अपसाइड, और वी विल प्ले द वेटिंग गेम जैसे मैं कह रहा था, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, इफ दिस ब्रीच हैपेंस एंड वेट फॉर दैट इंटरमिटेंट बॉटम, रैली अटेम्प्ट एंड फॉलो थ्रू टू गाइड अस अगले कुछ हफ्तों में, अगर ये इंटरमिटेंट बॉटम जो हमने अभी बनाया है दिसंबर 23-26 को वो अगर पहुंच चुका है। सो विद दिस वी फिनिश पार्ट वन, वी विल नाउ हेड टू पार्ट टू, जहां पे मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। तो हमने पहले हिस्से में देखा कि फंडामेंटल स्क्यू जरूरी होते हैं एज पर द कैंसिल मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। दूसरा पहलू जो हम कह रहे थे, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू एंटर द स्टॉक और व्हेन टू एग्जिट द स्टॉक, ये चार्ट पैटर्न्स भले भांति हमें बताते हैं, और हमारा मानना है जो हमारा ऑटो रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है इसे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म और हमारा सॉफ्टवेयर आपको खुद को बताएगा कि क्या चार्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं फॉर ईच इंडिविजुअल स्टॉक अंडर कंसिडरेशन। अब ये अलग अलग प्रकार के चार्ट फॉर्मेशन है ऑन द ओनील मेथोडोलॉजी। पहले चार काफी कॉमन है और काफी कॉमनली यूज होते हैं, और मैं शायद ये थोड़ा डिस्कस कर लूँ वेरी वेरी ब्रीफली, कप विथ हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस, सॉसर, जो लास्ट टू फॉर्मेशन है असेंडिंग और आईपीओ, ये थोड़े एडवांस्ड है जो ओनील मेथोडोलॉजी अग्रेसिव ट्रेडर्स को अडॉप्ट करने के लिए कहती है। इसमें ऑटो रिकग्निशन नहीं है, तो आईपीओ बेस जो होता है वो बेसिकली होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ रिसेंट आईपीओज आर प्लेस्ड। अगर किसी को आईपीओ लगता नहीं है, काफी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होती है, और फिर इच्छा होती है कि जिस दिन लिस्टिंग हो उसी दिन हम वो आईपीओ को ले लें, एक मिस्ड आउट फीलिंग रहती है, बट हमें लगता है आई थिंक व्हाट वी हैव स्टडीड ओवर द लास्ट 6-7 डिकेड्स, एक इस पे भी एक मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है टू दिस मैडनेस, और अगर हम फॉलो करते हैं तो क्वाइट नंबर ऑफ टाइम्स this has worked very very well. So IPO base is something for advanced users, but let's start with the basic criteria in terms of cup with handle.
एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट अपूर्व जी आपके लिए, तो दो चीजें, लेफ्ट और राइट। राइट तो उदाहरण है, लेफ्ट पे मैंने बताया आपको कि उनील में हम कैसे दिखते हैं। जो अप ट्रेंड होता है, जब भी एक बेस फॉर्मेशन होता है, और हमेशा मैं कहूंगा कि लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बेस। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया है आपको, मैं बीच में इसको काटूंगा, ठीक है? तो जब मैं बीच में काटूंगा, लेफ्ट साइड पे हम कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द बेस, राइट को हम कहेंगे राइट साइड ऑफ द बेस। तो हमेशा जब हम उनील मेथोडोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन द राइट साइड ऑफ द बेस इज गेटिंग फॉर्म। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पहले कुछ हफ्तों तक जैसे सप्लाई डिमांड फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, लेफ्ट साइड ऑफ द बेस में प्ले आउट हो जाते हैं, राइट साइड ऑफ द बेस में मोर डिफाइनिंग एक्शन आने लगती है, जहां पे काफी जो सप्लाई फैक्टर्स हैं ये लार्जली जेस्टेड हो जाते हैं, सप्लाई फैक्टर्स स्लोली एंड स्टेडिली रिसीड होने लग जाते हैं या कम होने लग जाते हैं, एंड जो बाइंग इंडिकेटर्स हैं, बाइंग नियर द पिवट, यानी पिवट पॉइंट इज द आइडियल बाय पॉइंट दैट कॉल ऑन द उनील मेथडोलॉजी, इसके तरफ स्लोली एंड स्टेडिली बढ़ रहा है। तो जब एक प्रायर अप ट्रेंड में मार्केट आ जाता है, और ये स्टॉक जब एक करेक्टिव फेज में आता है, जब जब एक कप फॉर्मेशन करने लग जाता है, और जब ये ओवरऑल फॉर्मेशन राइट साइड ऑफ द बेस में अप्रोच होने लगता है, यू शुड आइडियली सी जो टॉप से लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप जो कप विथ हैंडल का हो रहा है, उससे जो ओवरऑल करेक्शन है 35% के ऊपर होनी नहीं चाहिए। सो द डेप्थ कैन एनीवेयर बी बिटवीन 15-35%। इफ इट्स मोर देन 35%, एनीवे ऑटो रिकग्निशन में आएगा नहीं, इट विल एनीवे नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कप विथ हैंडल, बहुत लूज फॉर्मेशन हो जाता है, which can mean that that stock can go anywhere under consideration. ये जो base formation होता है, from the left side top till the breakout point, it should ideally be 7 weeks, यानी 7 हफ्तों का period आपको देना चाहिए। अगर base इससे छोटा हो तो it can be a faulty base. और इसमें एक appropriate उदाहरण भी देता हूँ आपको कि हमारे पास एक failed breakout या false breakouts की भी list है जो ये indicate करती है, और on the only platform as well. साथ ही काफी कन्वीनियंटली डिवाइस किया हुआ है विद स्मार्ट एल्गोस, सो दैट यू हैव रेडीमेड लिस्ट टेलरमेड लिस्ट्स एट योर डिस्पोजल। हैविंग सेड दैट, जब ये राइट साइड ऑफ द बेस पे आता है, ये जो राइट टॉप बनेगा विल कोइंसाइड विद द रेस्ट लेफ्ट टॉप, वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आफ्टर दैट राइट टॉप इज गेटिंग क्रिएटेड एक हल्का सा करेक्शन वापस आता है, दैट करेक्शन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10-15%। ये करेक्शन में दो चीजें आती हैं, जब ये हैंडल बनता है, सो एक क्या आपका कप बन गया, और ये जो लाइन नीचे आती है हल्की सी और वापस ऊपर जाती है, इसको हम हैंडल कहते हैं। सो जब ये हैंडल फॉर्मेशन हो रहा होता है, वॉल्यूम्स आइडियली हैंडल फॉर्मेशन में लो, विच मींस दैट जितनी सेलिंग हो गई है और जितना एक्सेसिव सप्लाई है, जिसे हम वीक हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं, काफी वीक हैंड्स ये राइट साइड टॉप होने के बाद एग्जिट करके अगर स्टॉक 10-15% करेक्ट हो, क्योंकि जो स्पेक्युलेटर्स हेजर्स होते हैं ये शायद निकल जाते हैं, बट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर वाचिंग ऑन दिस। जैसे वॉल्यूम कम होते जाती है और एक 10-15% करेक्शन विद दिस टाइम पीरियडिसिटी इन कंसिडरेशन हो जाता है, ये जो लास्ट की वॉल्यूम आती है वो एक्सट्रीमली हेवी वॉल्यूम्स। तो भी आप राइट साइड पे एग्जांपल देखिए, ये टीवीएस मोटर्स की एग्जांपल है, June 22, क्वाइट रीसेंट। उसके बाद तो एक जबरदस्त मूव ये स्टॉक ने दी, एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टू व्हीलर स्पेस। So it satisfied all the criteria in terms of cup formation. जब ये handle हो रहा था तब ये volumes देखिए, ये जो red volumes है ये significantly low है, right? Now when the breakout happened, you start looking at the volumes. ये significantly higher. तो जब breakout हुआ, especially this candle, it was significantly higher. तो हमारा मानना ये है कि supply demand factors coinciding with market direction as a criteria. So दो चीजें, एक जो TVS का आपने चार्ट देखा, जो हैंडल बन रहा था तब वॉल्यूम्स कम थी, जब ब्रेकआउट हो रहा था तब वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हायर थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि राइट साइड ऑफ द बेस में ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। लेफ्ट में जो मैंने एक क्राइटेरिया एक नोट डाउन किए हैं इज फॉर योर नॉलेज ऑन द मार्केट स्प्लिट प्लेटफॉर्म, ये ऑटो रेक में एनीवे आ जाएगा। So you will always be assured कि जब ये ऑटोरिक पैटर्न में आ रहा है, all these criteria are meeting fulfilled. But this is for enriching and ensuring that you move up the learning curve और आपका knowledge enhance हो when it comes to detailed understanding की cup with handle या cup with base या consolidation होता है. Now let's go to the next pattern, double bottom. Now we have always heard about double bottom formation, right?
बट ये डबल बॉटम होता क्या है? सो सिमिलरली टू कप विद हैंडल, ये पूरा जो बेस फॉर्मेशन होता है इसमें दो करेक्टिव मूव्स आपको दिखेंगे। सो जब मैं इसको वापस डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में, और जब हम राइट साइड ऑफ द बेस में देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द बेस इज लार्जली टू बी इग्नोर्ड, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ फॉर्मेशन पैटर्न, यू आर नेवर रियली श्योर व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेस, क्या सक्सेसफुल पैटर्न डेवलप होगा नहीं होगा वो पता नहीं। इसलिए राइट साइड ऑफ द बेस में जब ये पैटर्न रिकग्निशन इंडिकेट करने लग जाती है, वी बेसिकली गेट अ गुड इनफ इंडिकेशन ये जब टोटल करेक्शन हुई थी क्या है 35% तक ही सीमित, अगर 65% के ऊपर थी इट बेसिकली फेल्स योर राइट। दूसरा, जो दो लेग ऑफ करेक्शन होते हैं बॉटम डबल बॉटम में, पहला पॉइंट जो होता है पहला लेग ऑफ द करेक्शन, उसके बाद एक पुल बैक दिखता है, बट दैट पुल गैप इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये छोटा सा पुल बैक होता है और उसके बाद एक वापस करेक्टिव फेस चालू। ये सेकेंड लेग ऑफ द करेक्शन में इट कट्स द लो मेड बाय द फर्स्ट लेग ऑफ द करेक्शन। सो टू क्राइटेरियाज, वन ओवरऑल करेक्शन नॉट मोर देन 35%, सेकेंड लेग शुड अंडरकट द फर्स्ट लेग नेसेसरी। अगर सेकेंड लेग नहीं अंडरकट करता है तो कहीं ना कहीं ये सकम हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जो मैं कह रहा था ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट्स में लिस्ट से दर्शाए जा सकते हैं अपनी मार्केट स्पिन प्लेटफॉर्म। नाउ एज द सेकेंड लेग अंडरकट द फर्स्ट लेग, यू आर ऑलरेडी एट द राइट साइड ऑफ द बेस, क्योंकि मैंने चार्ट को 200 में डिवाइड कर और आप अच्छे खासे मिडल में हो सेकेंड राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन में भी। यहाँ पे आप देखने लग जाते हो कि वॉल्यूम एक्टिविटी वॉलेटाइल रहती है, बट स्लोली स्टेडीली जैसे ये मिड पॉइंट की तरफ आने लगता है सेलिंग वॉल्यूम्स कम होने लगते हैं और बाइंग वॉल्यूम्स। Now let's come to the example on the right hand side, जो अवंती फीड्स का है। ये डबल बॉटम एग्जैक्टली फॉर्म हुआ था। Now when the right side of the base started getting created, right? इधर एक्टिविटी अगर आप देखें राइट साइड ऑफ द बेस में इन द मिडल काफी वॉलेटाइल, एक भयंकर दिन आपको वॉल्यूम दिखा बट इट वॉज स्टिल नॉट क्लोज टू द पिवट जो हम कहते हैं और आइडियल बाय पॉइंट। उसके बाद एज इट स्टार्टेड अप्रोचिंग द पिवट, जो वॉल्यूम एक्टिविटी है कितनी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई आपको ये कर्सर से दिख, इट वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर, विच मीन्स दैट अ लॉट ऑफ सेलिंग एंड नाउ गॉट जेस्टेटेड और स्लोली एंड स्टेडीली बाइंग स्टार्ट हो रही है। द बाइंग कैंडल्स वर हेवियर एंड हेवियर विद ईच पासिंग डे और एट द ब्रेकआउट यू सॉ एक्सट्रीमली हेवी कैंडल्स एंड देन द स्टॉक मूव्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली हायर। आई थिंक ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू अ डबल। फ्लैट बेस बेसिकली एक दायरे में स्टॉक घूमते रहता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन या फ्लैट बेस। ये दोनों चीजें आपको मैं बताता हूँ। फ्लैट बेस में जो डबल बॉटम और कप विथ हैंडल में एक डिफरेंस है वो है कि डेप्थ, यानी जो मार्केट फॉल है लेफ्ट साइड टॉप से एक लेंथ ऑफ द फ्लैट बेस में, दैट शुड नॉट बी मोर देन 15%। अगर उससे ज्यादा हो तो वापिस ये सकम हो सकता है टू अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज प्रोबेबली एग्जिबिटिंग द सेम। So again, if I break this into the left side of the base, the right side of the base, the length should be at least 5 weeks. Agar 5 hafte se kam hai, again, breakout can come through, but it can be a false breakout, jo shayad satisfy nahi kar raha hai criteria, aur jo humne historically study kiya hai, usko shayad na satisfy karte waqt, might fail. With this criteria, as it approaches the pivot key pivot zone, you've got a winner on it. Exactly. Aur ye stock kafi rulaya tha kafi logo ko, COVID kaal mein. बट जिस दिन ब्रेकआउट दिया था जिस दिन ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उस दिन से जो स्टॉक ने मूव दिया है इट हैज नॉट लुक्ड बैक। तो जैसे बेस फॉर्मेशन से बाहर निकल गया आई थिंक देयर वाज अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्शन वैल्यू एक्शन एंड प्राइस एक्शन इज वेल फॉर आईटीसी अंडर कंसिडरेशन। नाउ देयर इज ऑब्वियसली कंसोलिडेशन जो एक सिमिलर पैटर्न होती है और आईपीओ और असेंडिंग, बट वी विल कीप इट फॉर अ लेटर डे क्योंकि वो थोड़े एडवांस स्ट्रेटेजीज है जिसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्टडी लगेगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर इज कि जितनी आपको ऑटो रिकग्निशन पैटर्न्स दिखती है द बेसिक वंस एक्सक्लूडिंग द आईपीओ बेस लार्जली गेट कवर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म और ये अच्छा खासा इंडिकेशन आपको देता है थ्रू द सॉफ्टवेयर। सो टेक्निकल्स को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि आपको कब एंटर करना है किस पॉइंट पे एंटर करना है क्योंकि दैट एंट्री पॉइंट इज वेल डिफाइंड a few days before with institutions who have taken heavy positions into the stocks. So institution backing अच्छी खासी रहती है जो हमें indication देती है कि institutions को अभी conviction वापस आ गया है वो stocks में जहाँ पे वो heavy buying कर रहे हैं and we also get a good enough criteria. A tad bit late compared to the institutions but I think we've got that confidence कि जब institutions आते हैं stock में वो कोई एक दो दिन के लिए आते नहीं हैं, they probably come to enter the stock with at least a medium term perspective into consideration. Having said that,
देर आर फेजेस इन द मार्केट, कंडीशन इन द मार्केट जब स्टॉक्स रिवर्स हो सकते हैं, और इसलिए रिस्क मैनेजमेंट टूल्स रखना इंपॉर्टेंट है, तो मैं फेज थ्री में लूंगा as as we move to the next. So let's come to phase 3 or part 3 of the presentation. Aur mere anuman mein I think ye sabse important criteria hai, kyunki hum focus rakhte hain kab kharidna hai, hum kabhi dhyan nahi dete kab bechna hai. So I think we've never been taught the practices on how to manage risk, when to book profits or when to cut losses. So mera hamesha manna yahi hai, jis maine opening remarks mein bhi kaha tha, you cannot be right all the time in the market. You will be wrong. Jab aap wrong ho, accept kare, analyze kare, aur move on kare. Kyunki galtiyan wapis dobara repeat na ho. But uske liye aapke paas risk management system hona bahut zaruri hai. At O'Neil, we follow the concept of riding your winners, but we also follow the concept in terms of when to exit your positions based on the market size. तो दो चीजें हो रही है, और लास्ट एक साल से हम काफी देख रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई. नाउ विद दिस वॉलेटिलिटी मार्केट फेजेस टू जो जाता है, इसपे सेक्टोरल चर्न्स भी होते हैं. सेक्टोरल चर्न्स के हिसाब से आई थिंक काफी प्रॉफिट बुकिंग होती है काफी सेक्टर्स में, और काफी सेक्टर्स में बाइंग क्राइटेरिया रिफ्लेक्ट होते हैं. एग्जाम्पल आपको दो, पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर 22 में जब मार्केट टॉप बना, जो मैंने दिखाया था आपको चार्ट में, आईटी सेक्टर उसके बाद जबरदस्त करेक्शन में है. बट द पॉइंट टू नोट हियर वाज अपूर्व जी कि इन द पीरियड बिफोर दैट फॉर ईयर एंड हाफ, ईयर एंड 9 months, आईटी सेक्टर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द ओवरऑल मार्केट्स. आईटी स्टॉक्स, लार्ज कैप्स हो या मिड कैप्स हो, वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आउट ऑफ द टॉप 20 स्टॉक्स दैट परफॉर्मड इन द मार्केट. सो दो चीजें आप कह सकते हैं, एक रिसेशन स्लोडाउन के डर के वजह से करेक्शन आईटी स्टॉक्स पे हावी होने लग गया था, या दूसरा जो आउट परफॉर्मेंस हुआ था वो अंडर परफॉर्मेंस में तब्दील हुआ था बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल फैक्टर्स, बैक्ड विद द फैक्टर दैट इंस्टीट्यूशन सेड दैट वी हैव मेड इनफ मनी, हम बेच देते हैं और सेक्टरल रोटेशन करते हैं. बट जो दूसरे सेक्टर्स भी चले वो कोई खास नहीं चले, और जो हम एक टिपिकल मानते हैं कि जैसे मेटल सेक्टर 2 साल के लिए चलना चाहिए, सॉफ्ट कमोडिटीज में शुगर राइस सेक्टर्स 2 साल ऑन ऑफ पीरियड में चलते हैं, ये मार्केट विपरीत चल रहा है बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइलिटी. तो फेजेस आ रहे थे मार्केट में जो इतने वॉलेटाइल थे, कि स्टार्ट ऑफ द फेज में जब करेक्शन हो रहा था, और फेब मार्च में मुझे अच्छा याद है कि कैपिटल गुड्स अच्छा खासा मोमेंटम दिखाने लग गया, एंड दैट कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट अ क्वार्टर. एंड अ लॉट ऑफ दीज कैपिटल गुड कंपनीज इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ सीमेंस, क्यूमिंस, एबीबी डिड फिनोमिनली, और मझोले कंपनीज भी 3x 4x moves दिए एक साल में, including the likes of Helicon Engineering, Apar Industries, Elgin Equipment. ये सिर्फ उदाहरण थे. पिछले रैली में हमने देखा कि PSU banks ने exceptionally well किया. ये रैली में हम देख रहे हैं कि शायद बैंकिंग थोड़े प्रेशर में और प्राइवेट बैंक थोड़े प्रेशर में. बीच में जो फेजेस आए थे HUL जैसे कंपनीज के लिए वो ठीक ठाक करी थी, पर वो साइडवेज फेजेस थी. ऑटो स्टॉक्स जून जुलाई के दरमियान बहुत अच्छा कर रहे थे क्योंकि सेमीकंडक्टर इश्यूज अच्छे थे, इसलिए ऑटो एंसिलरी कंपनीज गिव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मूव्स. वो बैटरी कंपनीज हो आपकी, या जो भी कंपनीज जो अनाउंस करती थी कि मैं ईवी फोरे कर रहा हूँ, वो स्टॉक 10-20 चल गया, ऐसे ही चल जाता. तो कहीं ना कहीं ये मार्केट फेजेस है जहाँ पे एंट्री हैज टू बी बेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन रूल्स, बट एग्जिट्स डिफाइन करना बहुत जरूरी. इसलिए ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि घूमते भी उसी प्रपोर्शन में. डिफेंस डिड एक्सेप्शनली वेल. A stock like Mazagon gave a return of 90% in a matter of 2 months. While other defense stocks were laggards, including Mazagon or HL, मुझे नहीं लगता कि काफी कोई defense stock चले. तो within that, कहाँ positioning कर रहे हैं ये भी important है. कहाँ positions exit कर रहे हैं depending on market direction ये भी important है. तो stop loss का rule, profit booking का rule बहुत जरूरी होता है, और इसलिए तीनों चीजें समझना बहुत जरूरी है. पहली चीज, आप अगर कोई पोजीशन लेते हैं और अगर मनी मन में वो पोजीशन मान के चलते हैं कि मैंने ये पोजीशन ले ली है, और मार्केट समझो 10 दिन 15 दिन बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ, आपका स्टॉक भी करेक्ट होने वाला है. मार्केट अगर 15% करेक्ट हुआ है और आपका अगर स्टॉक हाई बीटा हो तो शायद वो स्टॉक 30% करेक्ट हो. अगर आपने पोजीशन ली है और आपने वो स्टॉक बेचा नहीं, और 15 दिन बाद आप देखते हैं कि पहले मैंने बेचना चाहिए था, आज तो पेपर लॉस हुआ है मेरा, वो रिकवर हो जाएगा. पेपर लॉस तो लॉस ही होता है साहब,
क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बेचने जाओगे कल बाजार में तो 30% कम बिकेगा। तो दो चीजें आई थिंक वेयर यू सी द मार्केट इन टर्म्स ऑफ आर मार्केट डायरेक्शन स्ट्रेटेजी, और दूसरा मैक्रोस मत्ते माइक्रोस को नजर रखते हुए बोथ ग्लोबल एंड लोकल, क्या बाजार एक पोजीशनिंग में ऐसा आ गया है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, कहां पे सिलेक्टिव सेक्टर्स में अर्निंग्स का एक डीग्रोथ दिखने जा सकता है और वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट हुई। तो इंस्टीट्यूशन जब सेलिंग करते हैं तो जोरदार सेलिंग करते हैं, जैसे मैं कहा 80% बाइंग और सेलिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये एवरेजेस अगर ब्रीच हो रही है इंडेक्स पे, सेक्टर पे, स्टॉक पे, जो थ्री टियर स्ट्रक्चर है, अगर ये क्राइटेरिया इंडिविजुअल लीडरशिप स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट हो रही है, यू शुड टेक आउट योर प्रॉफिट्स, देयर इज नो हार्म इन दैट। अच्छा, मुझे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग, बाय एंड होल्ड बढ़िया कॉन्सेप्ट्स है, मैं ना नहीं बोल रहा, बट बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बहुत टैक्सेबिलिटी में भी फर्क नहीं है, एटलीस्ट टिल नाउ। अभी सीतारामन जी क्या करती है फर्स्ट फेब को वो उनको ही पता है, बट एटलीस्ट टिल डेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एट 10, शॉर्ट टर्म इज एट 15। आई एम नॉट सेइंग एक्सेसिव चर्निंग होनी चाहिए, बट अगर मार्केट कंडीशंस विपरीत हो आपके फेवर में ना और इंडिकेशंस मिल रहे हो, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। इसलिए पेपर लॉस होता है, मार्केट चलना चाहिए, हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स एंड हाउ टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेरी गुड। दो चीजें, सेलिंग का हमेशा कहते हैं कि सेलिंग टेक्निकल्स के आधार पर निर्भर होती है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। वी इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैं ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, एंड व्हाट वी हैव सीन एज अ प्रैक्टिस, एंड दीज आर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर इवन फॉलोड टिल डेट। जब सेलिंग आती है तब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फॉलो टेक्निकल्स। हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा है अप्रोच, जो हमारी रिटेल ऑडियंस है, जब बाजार उल्टा जाता है, जब स्टॉक लॉस में जाता है, किसी को लॉस में निकालना अच्छा नहीं लगता, आई एग्री विद दैट। या तीसरी चीज आई थिंक, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो हम जस्टिफिकेशन देते हैं फंडामेंटल्स। बाइंग के टाइम पे जैसे मैं कह रहा था 100% फंडामेंटल्स पे आपको फोकस देना चाहिए, जैसे हम भी देते हैं एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वेटेज ऑन फंडामेंटल्स। बट सेलिंग के टाइम पे व्हेन कंडीशंस आर देयर वेयर सेलिंग इज हैपनिंग, व्हेन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन सेल ऑन टेक्निकल्स, वी कैन नॉट जस्टिफाई आवर एक्शंस ऑन दैट। अगर स्टॉक करेक्ट होता है हम फंडामेंटली जस्टिफाई करते हैं, नहीं ये सेक्टर को कुछ बुरा नहीं है, ये अगले महीने रिकवर हो जाएगा, स्टॉक और 20% गिरता है, हम कहते हैं अगले तिमाही शायद खराब आए, उसके बाद से क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आने लग जाएंगे एंड द स्टॉक विल रिकवर। एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, 30 रुपया करेक्ट हो गया, आपकी बाइंग प्राइस 100 है, 30 रुपया करेक्ट हो गया, 70 रुपया पे है, 100 रुपया लाने के लिए वो स्टॉक को 50% रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी सिर्फ ब्रेक इवन पे आने के। तो आप समझ सकते हो कि अगर स्टॉक 50 रुपया हो गया है, आपके ब्रेक इवन में आने के लिए द स्टॉक हैज टू डबल जस्ट टू कम टू ब्रेक इवन, एंड इट इज जस्ट नॉट मेकिंग सेंस इन टर्म्स ऑफ योर आरओआई। सो एवरेजिंग डाउन इन द स्टोरी विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट डूइंग वेल, अगर क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं कि सही नहीं है, और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग लीडरशिप पोजिशन आती है स्टॉक की, ये हमने देखा है हर एक मार्केट साइकिल। बैंकिंग का अगर मैं उदाहरण दूं, बिफोर कोविड एचडीएफसी वाज अ अनडिस्प्यूटेड लीडर, पोस्ट कोविड आईसीआईसीआई बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर, ऑल बैंक्स डिड वेल, लास्ट 6 महीने में कोटक बैंक हैज बिकम अ मेजर अंडर परफॉर्म विद इन द बैंक निफ्टी इटसेल्फ। ऑटोज में उदाहरण देता हूँ आपको, प्री कोविड मारुति वॉज अ लीडर, पोस्ट कोविड टीवीएस मोटर टू व्हीलर बिकेम द बिगेस्ट लीडर इन द मार्केट इटसेल्फ एंड इट लार्जली आउट परफॉर्म गिव। तो क्राइटेरियाज डिफर होते हैं, बैलेंस शीट डिफर होती है, नंबर की डिलीवरी डिफर होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसलिए जब सेलिंग आती है तब टेक्निकल्स पे ध्यान दें, फंडामेंटल्स का जस्टिफिकेशन, सेलिंग जब मार्केट की फेज इज नॉट इन योर फेवर प्लीज। हमारा जो कार्डिनल रूल है वो है 8% का एक स्टॉप लॉस। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था जो वेरियस चार्ट, एक ब्लू जोन दिख रहा था जिसे मैं बार बार कह रहा था पिवट जोन या बाय जोन, सप्लाई को तो हमने देख लिया, बट देयर इज अ क्राइटेरिया कि अगर सारी कंडीशंस होती भी है, कुछ आउटलायर इवेंट्स हो सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर ऑन स्टॉक, शायद कुछ अनाउंसमेंट्स हो फॉर द सेक्टर इटसेल्फ, रेगुलेशन रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स हो या वो पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हो विच कैन बी डिट्रीमेंटल फॉर दैट स्टॉक। तो अगर ये सारी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, अर्निंग्स अच्छी है, सप्लाई फैक्टर्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ, और स्टॉक ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर यू टेकन पोजीशंस 8% कर अपना परचेस प्राइस से, एंड वी आइडियली डिफाइन अ स्टॉक दैट यू शुड बाय, अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपया है तो 100 से 0 to 5% आइडियल बाय रेट, विच मीन्स 100 रुपया से 105 रुपया तक आप बाय कर सकते हो स्टॉक। आइडियली
8 to 9% के आसपास अगर रूल ब्रीच नहीं होता, तो अगर 104 पे आपने एंट्री ली, 103 पे एंट्री ली, तो अगर 97 लेवल्स ब्रीच हुए हैं विद एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम्स, 50 डीएमए ब्रीच हुई है, 100 डीएमए ब्रीच हुई, मींस समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द सेक्टर, या समथिंग इज रॉन्ग विद द स्टॉक, या सम न्यूज रिलेटेड आइटम पे डेवलपमेंट हुई है. और इसीलिए कोई दो बार सोचना नहीं है, 8% का रूल इसमें अप्लाई होता है इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन. And this is a sound risk management practice that we follow in our process so far. एक सवाल इस पे ये उठता है कि क्या फॉल्स मूव आ सकते हैं, but that's why I defined it very very clearly that 8% fall should happen in terms of all criteria being fulfilled in the first place when we are buying it and extremely heavy volumes both on a daily and a weekly chart. तो अगर extremely daily volumes पे extremely heavy volumes पे fall आती है, means something is going wrong with that stock, कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको निकलना चाहिए, cut your losses shorter, we'll think about it later, क्या हो रहा है. So again, focusing on technical, but keeping this card in the rule in. दूसरा, जब risk management tools की हम बात कर रहे हैं, और जब market cycle घूमने लगता है, तो जैसे मैंने कहा, हम positions light करते हैं, अगर cycle uptrend में pressure और downtrend में आता है, clear indication आता है distribution days. Through index making top sectors and leaders making. So there is no two ways about it. हम दो तीन चीजें observe करते हैं. अगर breaches हो रही हैं, तो we book our profits in those stocks. And second, अगर एक overextension हो जाता है, and even if we ride these winners quite significantly, अगर 200 DMA से stock is showing an extension of more than 110%, this is a clear indication कि शायद वो जो stock है, उसमें climax stop बन. कहीं ना कहीं आई थिंक यू शुड स्टार्ट लाइटनिंग योर पोजीशन इन दोस स्टॉक्स. उसके बाद अगर की मूविंग एवरेजेस भी, तो स्लोली स्लोली प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर ले वंस दैट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड. और अगर की मूविंग एवरेजेस ब्लू होती है तो प्रॉफिट भी. दूसरा, जो मैं बेसिस कह रहा हूँ, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, यानी हर एक 20-25% मूव के बाद नेक्स्ट स्टेज पे निकल जाता है स्टॉक. आइडियल ओनील के हिसाब से स्टेज थ्री इज द बेस्ट फॉर्मेशन. लैटर बेस स्टेजेस, स्टेज फोर, स्टेज फाइव में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है. और इसलिए आई थिंक वंस इट रीचेस दोस स्टेजेस, यू कैन राइड दोस विनर्स, बट कीप दैट क्राइटेरिया ऑफ 21 टू 50 डीएमए वेरी वेरी क्लोज टू योर चेस्ट. अगर हैवी वॉल्यूम्स के साथ वो टीच हो रहा है, तो यू शुड प्रॉफिट्स इन स्टॉक्स. व्हाई? बिकॉज़ यू हैव हिस्टोरिकली सीन, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंटली प्राइस करेक्शन आ सकती है. फॉरगेट द मार्केट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मार्केट डायरेक्शन पर तो ऑब्वियस रिएक्शन दिखेगा ही, पर अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंट प्राइस डिटेरियोरेशन आ सकती है. एंड देयरफॉर सिंस देयर इज नो मेट्रिक्स टू ट्रैक ब्रॉडर मार्केट्स, वो काफी वेरिड सेक्टर्स हो जाते हैं, दिस प्रोबेबली बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स टू ट्रैक. और इसको मद्देनजर रखते हुए, वेदर अ लोअर बेस इज गेटिंग फॉर्म्ड या विद इन दोस इंडिविजुअल माइक्रो सब सेगमेंट्स नया लीडर उभर के आ रहा है, शायद एक अपॉर्चुनिटी हमने को दे. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये दो चीजें फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव रखना बहुत लाजमी है. और इसके साथ आई थिंक आई एम डन विद द कैंसलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ गुरुजी. थ्री एस्पेक्ट्स, वन द ओवरऑल मेथोडोलॉजी इटसेल्फ, सेकंड व्हाई टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एंट्री पर्सपेक्टिव, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे बहुत करीब है हार्ट के, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो सबको फॉलो करना चाहिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली फॉलो स्पेसिफिकली वोलेटाइल. जरूर, रिस्क मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम हमारे व्यूअर्स को भी कहेंगे कि प्लीज़ फॉलो दीज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विच मयूरेश जी हैज़ गाइडेड एज ऑल. तो मयूरेश जी, आपने बहुत सारे टूल्स के बारे में भी बात की जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी रखी है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो ऑफर्स रखी है उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, तो दो ऑफर्स है. एक जो ऑफर है, एक ट्रायल कोड का ऑफर है, जो एक महीने के लिए आपके सारे एस्टीम्ड यूजर्स अपूर्व जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. वो 1 month की ऑफर है एट द रेट ऑफ 30 rupees. वो कोड ऑब्वियसली वील शेयर इट इन द मेल इटसेल्फ. और दूसरा, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो देर इज अ स्पेशल डिस्काउंट, एक 15% का डिस्काउंट है स्पेसिफिकली फॉर द एस्टीम कस्टमर्स ऑफ सैमको, एंड दे कैन सब्सक्राइब टू आर प्रोडक्ट्स एट अ 15% डिस्काउंट. वो कोड ऑब्वियसली हम शेयर करेंगे. सो आई वुड रिकमेंड ऑल आवर यूजर्स टू यू नो गो एंड ट्राई देयर सर्विसेज, तो आपको भी पता चलेगा कि कितना इनडेप्थ रिसर्च और जो पूरा 60 साल का
ये पूरा जो नॉलेज बेस गैदर किया है उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया ये भी आप देख पाओगे। सो मयूरेश जी, थैंक्स अ लॉट फॉर यू नो शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड नॉलेज विद अस, और आखिर में आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऑफर भी दी है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली फॉर दैट टू। हमारा शो एंड करने के पहले एक प्रथा होती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट, यहाँ पे हम हैम्पर नहीं देने वाले, बट जनरली हम ये देखते हैं कि मार्केट्स में जो मार्केट वाले लोग हैं वो हमेशा मार्केट्स में ही डूबे रहते, तो कोई और बातें नहीं होती है। तो जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट प्लेजेंट नोट, माय वन क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? तो मैं काफी रीडिंग करता हूँ, बट एक एक जो बुक है आप इसको जरूर पढ़े, बारबेरियंस एट द गेट, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और मैं कॉनन डॉयल के काफी नॉवेल्स पढ़ते रहता हूँ, सो आई डू अ लॉट ऑफ लाइट रीडिंग इन द नाइट, जो मार्केट से इट टेक्स अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम। What are you watching these days? तो वॉच अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, सो वीकेंड्स पे मौका मिलता है, तो लेटेस्ट ओटीटी सीरीज मैंने देखी थी खाकी, सो आई लाइक अ लॉट ऑफ क्राइम एंड थ्रिलर। And one life lesson that you would like to share with all of us? तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल चुका हूँ, कि जीतना हारना तो चलते रहता है, तो यू हैव टू टेक व्हाट एवर कम्स जनरली इन लाइफ, प्रोफेशनली और पर्सनली इन योर स्ट्राइड। खराब फेसेस चलते रहेंगे, बट इफ यू आर रेजिलियंट इनफ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग, यू विल पास थ्रू दिस फेसेस। सो आई हैव फेथ इन योर एबिलिटीज एंड केपेबिलिटीज एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दोस बैड फेसेस। सो वो एक एक पुरानी स्टोरी है, दिस टू शैल पास। एक राजा ने अपने रिंग पे लिखवा दिया था दिस टू शैल पास। तो अगर एब्सोल्युटली अच्छा फेज है तो भी वो निकल जाएगा, बुरा फेज है तो वो भी निकल जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, मैं हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से काम करें, अच्छी चीजें होती जाएंगी। श्योर श्योर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड नॉलेज विथ ऑल ऑफ आर व्यूअर्स। आपने पूरा ही काफ़ी विस्तार से पूरी स्ट्रैटजी समझाई अलॉन्ग विद द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, अलॉन्ग विद द चार्ट पैटर्न। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। Thank you, Apurva ji, for calling me on your platform. Thank you, Shampoo Group as well, opportunity देने के लिए. बहुत मजा आया. If there are any further questions, please let me know. Be more than थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे मयूरेश जोशी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड्स में हमने टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा पुरानी और प्रचलित स्ट्रैटेजी कैंसलिम अप्रोच के बारे में बात की। सबसे पहले हमने देखा कि कैंसलिम अप्रोच एग्जैक्टली क्या है, इसके बाद हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए ये भी देखा। तो आई एम श्योर ये पूरा ही कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा और आपको इन दोनों ही एपिसोड से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।